एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही अच्छी रेमेडी लेके आई हूँ। जैसे कि आपकी विंटर्स की टाइम पे आपकी चेहरे एकदम से काला पड़ जाती है, चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा स्किन से भरा पड़ा होता है। बहुत ही दो स्टेप शेयर करने वाली हूँ। ये दो स्टेप कर लिया तो आपकी जो ऊपर की कालापन की जो परत है उसको हटा देता है, जो डेड सेल है उसको हटा देता है और आपकी चेहरे की स्किन की पोर्स को क्लीन अप करता है और चेहरे को बेहद अच्छा रखता है। आपको गोरी निखरी त्वचा आपको मिलेगा डेफिनेटली। आपके कॉम्प्लेक्शन को भी वापस ले आएगा, स्किन को टोन करेगा, जो भी डेड सेल है, डेड स्किन है, डेड लेयर है उसको हटा देता है, चेहरे को क्लीन एंड क्लियर ग्लो इफेक्ट आपको ऐड करता है। जैसे मेरे चेहरे पे आप देख रहे हो कितनी अच्छी साइन मेरी चेहरे पे आ रही है, क्योंकि अभी मैंने वही चीज करने के बाद मैं मेरे फेस पे ऐसे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, बस उसी की साइन है ये। मैंने कुछ भी ना मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई किया है, कुछ भी नहीं अप्लाई किया है। ये सब चीज़ करने के बाद आपने लास्ट में मॉइस्चराइजर क्रीम भी अप्लाई करना है, ठीक है। मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने से पहले ही देखो चेहरे कितने अच्छे से चमक रहा है, ऐसे आपको स्किन मिलेगा। तो प्लीज़ डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो ना तो लाल कलर के बटन को ज़रूर प्रेस करना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ लेके आती रहती हूँ। और चलिए गाइस, वीडियो वो रेमेडी क्या है जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ही अच्छी तरीके से चमक उठेगा, खिल उठेगा। तो चलिए, तो सबसे पहले आपने सूजी लेना है। सूजी पता ही है, रावा भी बोलते हैं। एक चम्मच सूजी लो, एक टमाटर लो, उसको बीच बार में कट करके हाफ टमाटर आपको चाहिए। गाइस इन दोनों के कॉम्बिनेशन ना आप सोच भी नहीं सकते हो, इतनी अच्छी है सूजी। यानी कि सूजी आपको गेहूँ से बनती है, ठीक है, गेहूँ से सूजी बनती है। और टमाटर पता ही है विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन स्किन को एक्सफोलिएट करने से डेड स्किन, डेड सेल निकल जाता है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स काफ़ी हद तक। चेहरे को मसाज करने से इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, ग्लो इफेक्ट लाता है, पोर्स को क्लीन अप करता है, गंदगी को निकालता है, स्किन को बहुत ही सॉफ्ट बनाता है। बेहद जब चेहरा साफ हो ना तब स्किन पे कोई भी चीज़ अप्लाई करोगे पोर्स क्लीन अप हो जाएगी, तब आप कोई भी चीज़ अप्लाई करोगे तो अच्छे से अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, एकदम से अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ऐसे करने से चेहरा क्लीन हो जाएगा कम से कम 5 मिनट के लिए रेगुलर, बिना रुके आपने करना है। मसाज करो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, बहुत ही अच्छा फेस आपको मिलेगा। उसके बाद तक गुनगुना पानी से वॉश करो चेहरे को, गाइस बहुत ही अच्छी चमक मिलेगा एक ही बार में, डेली कर सकते हो इसको। तो सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, कॉफ़ी लो, हाफ लेमन जूस लो, हाफ टमाटर लो, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। और इसको क्या करना है, आपने एक वाटर टाइप में बना के इसको लगानी है, ज़्यादा ठीक नहीं लगानी, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी सभी चीज़ें करके। तो इन तीनों की कॉम्बिनेशन आपकी चेहरे को चमका के रख देगा, सही सच में बोल रही हूँ गाइस, एक बार ट्राई ज़रूर करना। एक चम्मच कॉफ़ी लो, टमाटर के अंदर की जूस कम से कम 1 चम्मच ऐड करो और लेमन जूस 1 चम्मच ऐड करो, अच्छे से तुरंत बनानी है, तुरंत अप्लाई करनी है, ठीक है, तभी मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छे से मैश करो इसको, चम्मच से मैश करने की ज़रूरत नहीं है, हाथों से मैश करो, थोड़ा सा कॉफ़ी में हल्का सा दरदरा सा होता है ना, इसको अच्छे से मैश करो और पूरे चेहरे पे अपने अप्लाई करना है बस। उसके बाद कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, बिना कुछ करना है, छोड़ के अपने जो गुनगुना वाटर है ना इससे धो लो। गाइस कम से कम आप दो दिन छोड़ के आप करो या 1 दिन छोड़ के करो, ऐसे करते रहो, 1 हफ्ते के अंदर आपके चेहरे की जो प्रॉब्लम्स है ना इतने अच्छे से चला जाएगा, एक ही बार में रिजल्ट कितना अच्छा मिलेगा। तो रोज़ रोज़ करोगे आपके चेहरे क्या बन जाएगा। ऐसे करने के चेहरे की ब्लीच करता है, कालापन को हटा देता है, हाइपर पिगमेंटेशन को हटा देता है। और हाँ, आप इसको आंखों के अंदर नहीं डालनी है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो सिर्फ बाहर बाहर स्किन में आंखों के आसपास आप इसको लगा सकते हो, डार्क सर्कल तक ये 80% कम कर देता है, 80%। एक बार इसको करके देखना जरूर। कॉफ़ी में लाइटिंग फीचर्स होती है, चेहरे को वाइटन करता है, कालापन को हटाता है, पिगमेंटेशन को हटाता है, झुर्रियों को ठीक करता है, दाग धब्बे को हटाता है, पिंपल्स को रिड्यूस करता है, कम करता है, आपके चेहरे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हटा देता है, चेहरे को यंग जवान रखता है, गोरापन ले आता है, चमक ले आता है, ग्लो इफेक्ट ऐड करता है, लेमन जूस ब्लीच करता है, टमाटर भी बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है इन तीनों की, अमेजिंग है, ज़रूर ट्राई करना गाइस एक बार।